आइएगा, आज जो हम बात करेंगे जिस चैप्टर की, उस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस के अंदर उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड। किसी भी बिजनेस का एनालिसिस करने के अंदर कैश की अहमियत वही है जैसे एक मानव शरीर के अंदर ब्लड की। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपके ब्लड टेस्ट के लिए बोलेगा और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स के एनालिसिस करने के बाद वो बताएगा कि आपकी तबीयत किस तरीके की है और आपको किस तरीके के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं वो सभी प्रॉफिट्स जो है एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से तैयार किए जाते हैं। वो प्रॉफिट्स जो है कभी कभी ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड हो सकते हैं कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से, लेकिन जो कंपनी के कैश की वर्तमान स्थिति है, कैश कहाँ पर आया और कैश कहाँ पर गया और कैश किस तरीके से बिजनेस में सर्कुलेट हो रहा है, बिजनेस में किस तरीके से कैश की पोजीशन है, वो सब इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे। ये जो पूरा एनालिसिस है ये वास्तव में फंडामेंटल एनालिसिस है। जब हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए। तो इस चैप्टर को आप समझिएगा कि जो भी व्यक्ति कॉमर्स की फील्ड के अंदर है या किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप या किसी भी अन्य प्रकार से कंपनियों का एनालिसिस करते हैं तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोगों के काम का है। इसीलिए कॉमर्स के कोर्स के अंदर या आप इकोनॉमिक्स के कोर्स के अंदर या आप MBA के कोर्स के अंदर या BBA के कोर्स के अंदर आप जाएंगे तो इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ाया जाता है। ये चैप्टर कैश फ्लो एनालिसिस के नाम से पुकारा जाता है जब हम इसको एनालिसिस के एंगल से बात करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस चैप्टर को हम बोलते हैं कैश फ्लो एनालिसिस, लेकिन अगर इसको हम अकाउंटिंग में पढ़ें तो इस चैप्टर को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर अकाउंट्स के एंगल से हम इसको बात करें। हालांकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्लियर है बात। हमारे इंडिया के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जो तरीका है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर ये बात बताई गई है कि एक कंपनी को अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या कैसे फॉलो करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, राइट। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बताया हुआ है। अगर आप इसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे, IFRS की बात करेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो ये 7 के अंदर दिया हुआ है, यानी कि IAS 7 के अंदर। दोनों के अंदर मोर और लेस कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बात करेंगे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 3, जो भी आपके कोर्स कंटेंट का पार्ट है, हालांकि इसके ऊपर IND AS 7 भी आ चुका है, यानी कि जो कंपनियां हैं मोस्टली कंपनीज पर IND AS 7 लगा हुआ है जो IFRS की तर्ज के ऊपर है IND AS 7, तो उसके हिसाब से भी हम अगर देखें तो मोर और लेस कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो AS 3 के हिसाब से कर रहा हूँ, हालांकि इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है AS 3 और AS 7 में। तो बेसिकली आप उसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप सीख रहे हैं यही आपके लिए लाइफ टाइम काम करेगा, क्लियर है बात। अब बात आती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहली बात यह है कि आम बोलचाल की भाषा में हम इसको बात करेंगे कैश फ्लो और स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के बारे में आप जानते हैं, कोई भी स्टेटमेंट, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है तो वो स्टेटमेंट होती है। फ्लो का मतलब होता है चेंज, फ्लो का मतलब होता है, और जो हमारा सबसे पहला शब्द है वो है कैश। इस कैश के अंदर क्या होता है, कैश के अंदर दो चीज़ें हैं, कैश और कैश जैसी दूसरी चीज़ें जिनको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। क्या बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बताएं तो कैश और कैश जैसी दूसरी चीज़ें, कैश और कैश जैसी दूसरी चीज़ें, क्लियर है बात। तो कैश और कैश जैसी दूसरी चीज़ें हम बात करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कैश के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है कैश इन हैंड। क्या है? कैश इन हैंड। क्या है जी? कैश इन हैंड। और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, क्लियर है बात।
तो दो चीज़ें हैं, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। और कैश जैसी ही चीज़ें हैं, ये कैश तो नहीं है लेकिन कैश जैसी ही चीज़ें, जैसे कि बैंक एफडी हैं। क्या हैं जी? बैंक एफडी हैं जो कि अप टू 90 डेज तक की हैं। कितने दिन तक की हैं? 90 दिनों के अंदर अंदर ये पैसा आपके पास आ जाएगा, जिसका मैच्योरिटी पीरियड इज़ बिलो और अप टू 90 डेज, यानी कि 90 दिनों के अंदर आपको वो पैसा आ जाएगा। इसी तरीके से आपकी कंपनी के पास कमर्शियल पेपर्स हैं। कमर्शियल पेपर्स क्या हैं? कमर्शियल पेपर्स एक इन्वेस्टमेंट है जो मैक्सिमम 90 डेज के लिए ही इन्वेस्ट हो सकते हैं। कितने दिन के लिए हो सकते हैं? 90 डेज के लिए ही इन्वेस्ट हो सकते हैं। तो जो कमर्शियल पेपर्स हैं वो भी आपके कैश इक्विवेलेंट्स हैं। उसके बाद अगर आपके पास ट्रेजरी बिल्स हैं, कैसे बिल्स हैं? ट्रेजरी बिल्स हैं, तो वो भी आपके कैश इक्विवेलेंट्स हैं। कैसे हैं? कैश इक्विवेलेंट्स हैं। जो कैश जैसी चीज़ें, यानी कि जिसको कैश में बदलने में कोई टाइम ना लगे। तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई, ये बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कैश की तरह। देखिए, कैश इन हैंड तो क्या है, आप कभी भी कैश को यूज़ कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट बैंक का मतलब है आप एटीएम में जाएं, 2400 घंटे आपको एटीएम में से पैसे मिल सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक है। इसी तरीके से जो कैश इक्विवेलेंट है उसमें क्या है? बैंक है, बैंक की एफडी है, 90 दिनों के अंदर तोड़ के आप उसको पूरा कर सकते हो, 90 डेज का पीरियड है मैक्सिमम। कमर्शियल पेपर्स है, कमर्शियल पेपर जो वेल रेपूटेड कंपनियाँ वो इशू कर सकती हैं, और आपने उन वेल रेपूटेड कंपनीज़ के कमर्शियल पेपर खरीद रखे हैं, तो 90 दिनों के अंदर इसकी मेच्योरिटी आ जाती है, तो बहुत लंबा टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट का नहीं होता है, तो वो भी कैश जैसे ही समझे जाते हैं। और ट्रेजरी बिल्स, और ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स सरकारी बिल्स होते हैं जो बॉन्ड मार्केट में चलते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, कभी भी जाके बाजार में बेच के अपने पैसे ले सकते हैं। इसमें कोई मैच्योरिटी का कोई बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं होता, 24 घंटे से लेकर 7 दिन 10 दिन 12 दिन तक के बिल होते हैं, या इससे थोड़े लंबे पीरियड के भी बिल्स हो सकते हैं। तो ये बट मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर आपके मार्केटेबल मार्केटेबल लिक्विड फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। लिक्विड फंड्स का मतलब है कि आपके डेप्ट्स वाले म्यूचुअल फंड्स हैं। जो डेप्ट्स वाले म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि आपने उधार दे रखा है, कभी भी आप उनकी मैच्योरिटी ले सकते हो। तो मार्केटेबल अगर डेप्ट वाली इन्वेस्टमेंट है, कैसी इन्वेस्टमेंट है? डेप्ट इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें भी आपके रिस्क नहीं होते, तो वो भी इन्वेस्टमेंट, और उसको कैश में बदल सकते हैं, तो उनको भी आप क्या बोलेंगे? कैश इक्विवेलेंट्स। तो सिंपल सी बात क्या है कि जब हम कैश की बात करें तो हम इन दोनों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दोनों की बात करेंगे। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि कैश क्या है, तो AS3 कहता है कैश कंप्राइजेज कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। वो कहता है कैश इन हैंड और जो पैसा बैंक में से आप कभी भी डिमांड करके निकाल सकते हैं, उस पैसे को आप कैश मानेंगे। तो कैश के अंदर कितनी चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं, एक कैश इन हैंड और एक कैश डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, यानी कि जो कैश आपका बैंक में पड़ा हुआ है। ये जो कैश है उसके साथ कैश इक्विवेलेंट भी है। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं बेटा जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं। इनके अंदर क्या फीचर्स हैं, कैश इक्विवेलेंट्स में क्या फीचर्स हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर सबसे खास बात है कि ये हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं। कैसी इन्वेस्टमेंट है? हाईली लिक्विड। लिक्विड का मतलब है कभी भी बेच के पैसा इकट्ठा कर सको आप, तरलता है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो क्या है? तरलता है, राइट। जैसे लिक्विड होता है ना टॉयलेट के अंदर, उसको डाल दोगे तो क्विक रिएक्शन करता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी तरीके से कैश में भी बिजनेस में लिक्विडिटी होती है। कोई भी व्यक्ति कैश को स्वीकार कर लेता है, किसी को पेमेंट देनी है, हो सकता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को मना कर दे, चेक को मना कर दे, पेटीएम को मना कर दे, लेकिन वो कैश को मना नहीं करता। किसको मना नहीं करता? तो कहता है ये हाईली लिक्विड है जिसको कैश में बदला जा सकता है, राइट। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, और ये हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क। और सिग्निफिकेंट रिस्क किसका, किसका? लॉस ऑफ वैल्यू का या मैच्योरिटी का, यानी कि वैल्यू का लॉस नहीं होगा, लॉस ऑफ वैल्यू यानी कि मरने वाले नहीं है पैसे, जितनी वैल्यू लिखी हुई है उसी के आसपास वैल्यू आ जाएगी। मान लो आपने बैंक में एफडी कर रखे 10,000, तो आपको 10,000 ही मिलेंगे, राइट। मान लो आपने किसी का डेप्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट की है, किसी कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो हो सकता है मजबूरी में आप 100 रुपये का डिवेंचर 99 में बेच दे, पर ऐसा नहीं होगा कि 20 रुपये में सेल करें इक्विटी शेयर की तरह। तो ये हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क, विदाउट एनी, तो यहाँ पे लॉस ऑफ वैल्यू का रिस्क नहीं है। और दूसरा क्या नहीं है? मैच्योरिटी रिस्क नहीं है। कैसा रिस्क नहीं है? मैच्योरिटी रिस्क नहीं, यानी कि कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी जिसके पास आपने पैसे लगा रखे हैं, जिसके पास आपने पैसे लगा रखे हैं वहाँ पर रिस्क नहीं है आपका। तो सिंपल सी बात है, ये हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ लॉस ऑफ वैल्यू का, और दूसरा किसका? मैच्योरिटी रिस्क। बात समझ में आ गई?
तो सबसे पहले हमने बात की किसकी, कैश की। किसकी बात की हमने, कैश की। अब बेटा जो हमने कैश की बात की तो अगली बात जो हम करेंगे बेटा वो बात करेंगे फ्लो की। किसकी बात करेंगे, फ्लो की। अब ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो है बेटा, इस फ्लो का क्या मतलब है कि फ्लो किस तरीके के हैं, फ्लो किस तरीके के हैं। फ्लो का मतलब क्या है, चेंज। अब चेंज है इंक्रीज, यानी कि जिससे कैश बढ़ रहा है, जिससे कैश, और दूसरा चेंज है कि जिससे कैश घट रहा है, यानी कि डिक्रीज। तो यानी कि जो फ्लो में कैश बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है बेटा, हम उसको बोलते हैं इनफ्लोज। क्या बोलते हैं, इनफ्लोज। और जिनसे कैश घट रहा है उसको क्या बोलते हैं, आउटफ्लोज। क्या बोलते हैं, तो ये जो कैश है एक इनफ्लो है और एक आउटफ्लो है। तो बात समझ में आई आपको या नहीं। इनफ्लो किसको बोलेंगे, जब कैश बढ़ रहा होगा तो क्या होगा, इनफ्लो, और जब कैश घट रहा होगा तो क्या बोलेंगे, आउटफ्लो, राइट। अब ये इनफ्लो और आउटफ्लो को हमने तीन एक्टिविटी में डाला है। किस में डाला है, तीन एक्टिविटी में डाला है कि ये जो चेंज होंगे ये तीन कारणों से होंगे। कितने कारणों से होंगे, यानी कि बढ़ना या घटना तीन कारणों से होगा। क्लियर है बात। सबसे पहला है ऑपरेटिंग रीजंस। कैसे रीजंस, ऑपरेटिंग रीजंस। तो इनको बोलते हैं बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं बेटा। दूसरा होता है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। किसकी वजह से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से। और तीसरा किसकी वजह से होता है, और तीसरा होता है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से। डन बेटा। कितनी एक्टिविटी की बात की मैंने, तीन। तीन कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इनके बारे में मैं एक एक करके बात आपके साथ करूंगा, इकट्ठी कोई बात नहीं करूंगा। इकट्ठी बात हम करेंगे जब सब एक एक एक्टिविटीज को हम अच्छे से समझ जाएंगे, राइट। हम इन तीनों के फ्लोज से एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्टेटमेंट को बोलते हैं आप कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, तो उस कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होगा वो आप सबसे पहले देखिएगा। जब भी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी, जब भी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी तो ये फॉर्मेट हमारा होगा। सबसे पहली बात देखिएगा कि जो भी हमारे रुपीज़ होंगे उसके अंदर हम वो बात करेंगे, क्योंकि हम इंडिया में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमारी जो करेंसी है वो क्या है, रुपी है। अगर आपकी करेंसी में रुपीज़ लैक्स में या करोड़्स में है तो आप रुपीज़ लैक्स या करोड़्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा, वो तीन एक्टिविटीज़ के अंदर हमारा कैश आता है या जाता है। सबसे पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लोज, फ्लोज में बेटा दोनों चीज़ें, इनफ्लो भी हैं और अगर प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। अगर कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया तो प्लस, गया तो माइनस। प्लस मतलब इनफ्लो, गया तो आउटफ्लो। दूसरा है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्लस और माइनस। तीसरा है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, प्लस भी और माइनस भी, कुछ भी हो सकता है। अगर हमारा आंसर प्लस आता है तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बेटा इसमें मैं आपको केवल चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एनालिसिस करना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक कंपनी अच्छा कर रही है या खराब कर रही है, और इस कंपनी का अगर शेयर आज आपको बाजार में मिल रहा है तो उसको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, राइट। अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर है और उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पास पिछले दो तीन चार साल की है तो उसके बेस पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कंपनी का शेयर आगे अच्छा करेगा या खराब करेगा। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट महंगी तो नहीं खरीद ली है,
अगर आपने इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीद ली है तो एक समय ऐसा आएगा, दो साल, चार साल या तीन साल या एक साल, जहां पर कि आपके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के मामले में अगर आज मैं बात करूं तो एक कंपनी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है, ट्राइडेंट लिमिटेड। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बड़ा बेहतरीन है। अभी वो शेयर जो है करीबन 57-58 के आसपास चल रहा है, बट मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो आने वाले दो तीन साल के अंदर अंदर वो 250-300 रुपए के आसपास पहुंचेगा, जिस तरीके से उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे को दिखा रही है। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें दिखा रही है कि हम कैसे उसके साथ काम करेंगे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपको एनालिसिस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कोई चीज महंगी ले रहे हैं सस्ती ले रहे हैं। अगर आपकी चीज महंगी है बेच दो, अगर आपके पास सस्ती पड़ी हुई है कि आपको लगता है बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको सस्ती चीज मिल रही है, आपने सस्ते में खरीद ली, उसको लेके चुपचाप बैठ जाइए। अच्छा टाइम आएगा उससे आप एग्जिट भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो उस टाइम पर उस प्राइस के ऊपर भी उससे अच्छी कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा रही हो। तो जरूरी नहीं है कि प्राइस अगर आपने 60 रुपए का लिया और वो 300 रुपए हो गया, तो उस समय हो सकता है कि उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट 300 रुपए से भी अच्छी हो। तो ये जरूरी नहीं है कि 60 रुपए की चीज आप 300 रुपए में बेच के बाहर निकल जाए। तो सिंपल सी बात क्या है कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, उसके सारे टूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। हम सभी टूल्स के बारे में बात करेंगे एक एक करके कि किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैसे कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है वो सीखेंगे, फिर हम उसका सीखेंगे कि एनालिसिस कैसे करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छी है या खराब है, उसके बिजनेस की वैल्यू के हिसाब से अच्छी है या खराब है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। अगर प्लस आएगा तो बेटा क्या लिखोगे, इंक्रीज, और अगर माइनस आ गया तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज। तो ये कैश जो है इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इसके बाद इसके अंदर ओपनिंग कैश जो होते हैं उनको हम प्लस भी करते हैं, और उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग कैश आ जाता है। तो हम इसमें जो ऐड करते हैं वो क्या करते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। बेटा जो भी लोग इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं वो एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी पूरी की पूरी सीरीज जो है YouTube के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर आएगी, और लगभग लगभग अगले 20 दिन के अंदर ये पूरी की पूरी जितनी भी वीडियोज़ हैं 20 से 30 दिन के अंदर पूरी वीडियोज़ YouTube के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। तो ये पूरा एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप ऊपर ऊपर से सीखेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो आपको सारी एंट्रीज एक एक करके मैं आपके साथ बात करूंगा, मैं केवल आपको आज ये बता रहा हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, राइट। उसके बाद वो क्यों बनाई जाती है वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करने लग रहा हूँ धीरे धीरे, और इसकी इंपॉर्टेंस को आप कम मत समझिएगा। पूरी कंपनी की जो अकाउंटिंग है वो सब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर है, जिसको पूरी कंपनी की अकाउंटिंग नहीं आती वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ही नहीं सकता। इसीलिए आपके टीचर्स क्या करते हैं, आपको फॉर्मेट रटा देते हैं और आपको वैल्यूज डलवा देते हैं। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, रट्टा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो आपको कुछ नहीं पता वो क्या बनाई आपने। अब जब हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट तब आपको पता चलेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। तो बेटा बता, लास्ट में बताइए क्या निकलेगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। तो ये क्लोजिंग वैल्यू जनरली प्लस में होती है, कभी कभी हो सकता है कि माइनस में भी हो जाए, लेकिन ज्यादातर कैश प्लस में होते हैं बैलेंस शीट में। क्लियर है बात। ये जो हमारा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करना है। अब हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैसे बनती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कैसे बनती है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कैसे बनती है, राइट। बस हमें बस ये तीन चीजें सीखनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी खत्म। हमें तो कुछ ज्यादा सीखना ही नहीं, लेकिन इनका सिग्निफिकेंस हमें जब तक पता नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस। तो आइएगा अब शुरू करते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप देखिएगा बेटा, सबसे पहली बात, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटा यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को निकालने के लिए दो तरीके हमारे को बताए गए हैं AS3 में। वन इज ए डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज ए इनडायरेक्ट मेथड। एक मेथड कौन सा है, डायरेक्ट, और दूसरा मेथड कौन सा है, जो डायरेक्ट मेथड आपका है बेटा वो आपके कोर्स में नहीं है। किसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूं कि डायरेक्ट मेथड के बगैर आप कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख ही नहीं सकते।
तो मैं सबसे पहले आपको क्या सिखाऊंगा, बेशक से आपके कोर्स में नहीं है लेकिन डायरेक्ट मेथड के बगैर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं सीख सकते, राइट। यही रीजन है कि आपके टीचर्स आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट रटा देते हैं, राइट। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड हम सीखेंगे, उसके बाद हम इनडायरेक्ट पर आएंगे। जब तक हम डायरेक्ट में कंफर्टेबल नहीं होंगे हम इनडायरेक्ट नहीं सीख सकते, क्लियर है बात। अब ध्यान से आपने समझनी है, तो जो डायरेक्ट मेथड है हम उसकी बात करेंगे आज, और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम इनडायरेक्ट मेथड की बात भी कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आज भी अगर लास्ट में टाइम बच गया तो इनडायरेक्ट की बात करूं, लेकिन मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। तो आज की जो क्लास है, आज की जो वीडियो है, उसमें हम केवल किसकी बात करेंगे, डायरेक्ट मेथड की। चलें आगे। सबसे पहली बात है डायरेक्ट मेथड डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। मैं अभी आपको लिखने के लिए दे रहा हूं, बुक से लिख के लाएंगे आप, मैं आपको केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में ओरली बता रहा हूं, ठीक है। ये आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं मैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा से बात बोल रहा हूं आपको। रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। अब जो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हैं, अगर वो प्रिंसिपल ही हैं, तो प्रिंसिपली रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं खाली एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। जब मैं कोई रेवेन्यू प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करता हूं, उसमें जो कैश का लेन देन होता है, यानी कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो वो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो है। अभी समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझ में आता मैंने बोल दिया ऑपरेटिंग है, प्रिंसिपल है, इससे बात नहीं पल्ले पड़ेगी। प्लस अदर एक्टिविटीज विच आर नॉट कवर्ड इन फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर कोई फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर्ड नहीं है तो वो भी होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो तरीके की एक्टिविटीज हो गई हमारे पास। एक तो कौन सी हो गई, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, और दूसरी एक्टिविटीज कौन सी हो गई बताइए बेटा, बताइए कौन सी है। हमारे पास दो एक्टिविटीज हो गई, कौन सी, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब कंपनी या जिस भी एंटरप्राइज का बना रहे हैं, और एक और हो गई प्लस अदर एक्टिविटीज विच आर नॉट कवर्ड इन अदर टू कौन सी थी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं है तो भी है। तो कैसी एक्टिविटीज हैं, इसमें दो एक्टिविटीज हैं। कैसी हैं, दो एक्टिविटीज हैं, क्लियर है बात। एक जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज है। बेटा कैश फ्लो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करता है। जैसे मानव शरीर में हमारे में कैश दौड़ रहा है, सॉरी ब्लड दौड़ रहा है, उसी तरीके से बिजनेस में कैश दौड़ रहा होता है। रोज कैश में ट्रांजेक्शन हो रही होती है, बैंक चेक आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसका सर्कुलेशन कैसे हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो गवर्नमेंट के कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट के बजट्स होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज एक न्यूज आप देखिएगा कि आरबीआई से गवर्नमेंट को पैसा मिला है, तो स्टॉक मार्केट आज चल गई कि भाई लिक्विडिटी की पोजिशन ईज आउट हो रही है। गवर्नमेंट ने अभी 3 दिन पहले एक अनाउंसमेंट भी की थी कि कुछ जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है बिजनेसेस को दिए थे, एनबीएफसीज को दिए थे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, तो उसकी वजह से आप देखिएगा पिछले 2 दिनों के अंदर स्पेशली स्मॉलर मिड कैप शेयर्स जो थे उनके अंदर तेजी बनी हुई थी।
क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी ईज हो रही है, यानी कि कैश आने वाला है। और कैश जब बिजनेस में आने वाला है पूरे सिस्टम के अंदर, क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, तो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर कैश का इनफ्लो होने वाला है, एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट आने वाली है, तो आप लोग जानते हैं कि जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट आती है तो वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि वो प्रॉफिट कमा के देगी आपको। तो जब वो प्रॉफिट आएंगे तो वो जो प्रॉफिट अर्न होंगे वो वास्तव में हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली जो स्टॉक मार्केट है वो उस पर रिएक्ट कर रही है कि हाँ अब ये जो शेयर प्राइजेस हैं ये नीचे की तरफ हैं, इनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना चाहिए, इसीलिए लोगों के अंदर बाइंग इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो रहा है। क्लियर है बात? तो लिक्विडिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कभी भी किसी शेयर के प्राइस या किसी प्रॉपर्टी के प्राइस या किसी भी असेट्स के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है। अच्छा होने वाला है फ्यूचर में तो लोग खरीदने आ जाते हैं, बुरा होने वाला है तो लोग बेचने आ जाते हैं उस पर्टिकुलर असेट्स क्लास के अंदर जिस असेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? ये बिजनेस की मुख्यतः कमाने वाली एक्टिविटीज हैं जिनसे बिजनेस में कमाई होती है। अब हमारा बिजनेस किस तरीके का है? हमारा बिजनेस फीस बेस्ड है, ठीक है। अगर मैं अपने पूरे बिजनेस की बात करूं तो मेरा बिजनेस दो ही तरीके का है, एक कोचिंग बिजनेस है हमारा और एक हमारा सीए का प्रैक्टिस बिजनेस है। अगर मैं अपने कोचिंग बिजनेस की बात करूं तो हमारे कोचिंग के बिजनेस के अंदर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं बताइए मेरे को। फीस लेना कैसी एक्टिविटीज है मेरी? बेटा मैं फीस रिसीव करता हूं स्टूडेंट से, क्या प्रिंसिपली रेवेन्यू आता है उसकी वजह से? वो मुख्यतः सेल देती है, आप लोगों से भी हमने फीस ली हुई है और लेते रहते हैं, तो आपसे जो हमारे फीस आती है वो क्या है? रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है। कैसी एक्टिविटीज है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। कैसी एक्टिविटीज है? दूसरा बताइए, इस फीस के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे इस फीस के लिए स्टाफ रखना पड़ता है, तो मुझे सैलरी देनी पड़ती है। मेरे को ऑफिस किराए पे लेना पड़ता है, हालांकि मेरा अपना ऑफिस है इसलिए वो किराया नहीं जाता है, लेकिन अगर बाकी जो लोग हैं तो क्या है, रेंट ऑफिस का जाएगा, रेंट क्लासरूम का भी जाएगा, ठीक है जी, वो हमारे को देने नहीं पड़ते क्योंकि सारी चीजें हमारे पास अपनी है। लेकिन अगर आप बिजनेस चलाओगे तो रेंट भी देना पड़ेगा, फिर सरकार हमसे टैक्स मांगेगी तो हमें सरकार को क्या भी देना पड़ेगा, टैक्स। अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ती है, क्या भी करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट्स भी करनी पड़ती है। कैसी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। एक डेप्रिसिएशन भी लगता है, क्या भी लगता है, लेकिन डेप्रिसिएशन में कैश नहीं जाता, क्या नहीं जाता, तो वो कैसी एक्टिविटी नहीं है हमारी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है कैश फ्लो के एंगल से। किसके एंगल से? क्योंकि डेप्रिसिएशन में कैश आया या जा ही नहीं रहा। तो इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट क्या है? हम उन एक्टिविटीज की बात करेंगे, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी कि कैश आएगा जाएगा तो हमारी एक्टिविटी का पार्ट होगा। क्लियर है बात? अब ये बताइए इसी तरीके से मुझे और क्या करना पड़ेगा इस बिजनेस को चलाने के लिए? मुझे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा करना पड़ेगा, आपको बुक देनी पड़ेगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे, मेरे ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी के बिल होंगे, मेरे वाटर बिल होंगे, ठीक है जी, मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है वो मेरा इंस्टीट्यूट ही संभालता है, ठीक है, मेरी गाड़ी वगैरह के जो भी खर्चे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस कौन पे करता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कौन देता है, उसका जो डीजल पेट्रोल जो भी लगता है वो कौन पे करेगा, बिजनेस। इस बिजनेस में ये कमाने के लिए, लेकिन मेरे बिजनेस में यानी कि जो रविंद्र वत्स क्लासेस है उसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट भी है उसके अकाउंट के अंदर, रविंद्र वत्स क्लासेस की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है, वो हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं है, उसकी जो इनकम है दैट इज ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमारी कुछ प्रॉपर्टी रविंद्र वत्स क्लासेस की ऐसी भी है जो हम खुद यूज नहीं कर रहे, हमने किराए पर दे रखी है। किस पे दे रखी है? तो लक्ष्मी नगर के अंदर हमारी जो किराए पे प्रॉपर्टी उठी हुई है वो रविंद्र वत्स क्लासेस की, तो रविंद्र वत्स क्लासेस को उसके ऊपर रेंट रिसीव होता है, क्या मिलता है, वो रेंट रिसीव्ड हमारी कौन सी इनकम है, वो हमारी रेंट रिसीव्ड हमारा प्रिंसिपल बिजनेस थोड़ी ना है, वो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे, हमने एक दो प्रॉपर्टी खरीद ली, उस प्रॉपर्टी पे हमें रेंट आना शुरू हो गया, राइट, वो हमारे कोचिंग में अभी यूज नहीं हो रही है तो हमने वो किराए पे दे दी, तो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल काम थोड़ी ना है उसको किराए पे चढ़ाना, हमारा काम तो फीस लेना है बच्चों से, हमारा तो मेन प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, फीस लेना, तो वो कहां चली गई, इन्वेस्टिंग में। क्लियर है बात? तो मेरे बिजनेस के अंदर ये एक्टिविटीज कैसी हैं,
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किसके लिए, अगर मेरी कोचिंग क्लासेस के एंगल से बात करोगे तो। ठीक है जी, अब हम बात करें अगर एक ब्यूटी पार्लर की, किसकी बात करें। अब ब्यूटी पार्लर के लिए क्या है बताइए, बताइए ब्यूटी पार्लर के लिए क्या है। अब ब्यूटी पार्लर वाली जो मैडम है उसने भी रेंट पे करना है, उसने भी इलेक्ट्रिसिटी देनी है, जो लड़कियां लड़के रख रखे उनको सैलरी देनी है, पैसा आ रहा है जा रहा है जा रहा है। ठीक है जी, फिर वो ब्लीच करेगी आपके बालों को, पैसे लेगी, मैनीक्योर पेडीक्योर फेशियल हेयर कटिंग कैरेटिन, ठीक है जी, रीबॉन्डिंग एटसेट्रा, ऐसी एक्टिविटी करते हैं बेटा, क्या मिलती है उसको, पैसे मिलते हैं, क्या बोलते हो उस फीस को, फीस बोलते हो, इनफ्लो बोलते हो, रेवेन्यू हो गया उसका, क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया, उसको टैक्स देना पड़ता है, माइनस हो गया, क्लियर है बात, समझ में आई बात या नहीं। उस बिजनेस को चलाने के लिए प्रिंसिपली क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है प्रिंसिपली, कैश, जिन मेन काम के लिए जिससे पैसा आ रहा है। उस ब्यूटी पार्लर का मेन पर्पज क्या है, पैसे कमाना। पैसे कैसे कमाना, लोगों के बाल काटना, फेशियल करना, ब्लीच करना, यही तो करते हो। हाँ जी, आप बता रहे हो अलग अलग, ठीक है जी, बोलो सर दूसरे नाम भी लो, ठीक है, चलो वो भी बता देता हूँ, आईब्रो बनाना, अपर लिप्स, ठीक है जी, ये सब चीज कराते हो ना आप। हाँ जी सर, अब हंसने लग गई हैं लड़कियाँ सारे। हाँ जी लड़कियाँ चुप हो जाओ आप। हाँ जी, तो बेटा ये सब चीजें क्या हैं, अरे बिजनेस, अरे आपने कैश फ्लो समझना है, उसका नेचर ऑफ द बिजनेस समझना है, नेचर में कहाँ से पैसा आ रहा है, राइट। मान लो अब आप लोग उधार कराए, और जैसे अभी हर्ष है हमारा, ये हर्ष उधार कराया था, सैलून वाले को पैसे नहीं दे के आता, अब ये अगले बार जब जाता है तो पिछली बार के पैसे देता है, तो वो भी डेटर से भी जो कलेक्शन आ रही है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। उधार में अगर उसने आपके बाल काट दिए, भैया कैश फ्लो नहीं हो रहा, बाप बढ़ाना भैया, रुपया आना और जाना चाहिए, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी से। चलिए जी, अब बात करते हैं बैंक्स की। देखिए बेटा, बैंक का कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसकी बैंक्स के लिए एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे, राइट, उसके ऊपर बर्डन नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, लेकिन फिर भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना चाहिए। बैंक कैसे काम करते हैं, आपको पता है बैंक कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, आपको पता है बैंक कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। देखिए बैंक क्या करते हैं, उधार देते हैं। अरे उधार देंगे कहां से, जब पहले से पैसा आएगा तो देखिएगा, बैंक क्या होता है, बैंक का मालिक पहले कैपिटल लगाता है, क्या लगाता है, अब वो कैपिटल तो लगा देगा। मान लीजिए कि नए बैंक की बात करते हैं, मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक, राइट, मान लो उसने कैपिटल लगा दी। अब कैपिटल से कोई बिजनेस तो चलना नहीं है, बैंक के लिए तो कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। मान लीजिएगा ये अमाउंट 10 लाख रुपए का, कितना है, अब ये बैंक तब अच्छा परफॉर्म करेगा जब डिपॉजिट ले। तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपको समझा रहे होते हैं, क्या समझा रहे होते हैं कि आओ आओ हमारे पास खाता खोलो, राइट। आज की डेट में जैसे IDFC फर्स्ट बैंक है, कहता है भाई साहब 1 लाख रुपए से ऊपर हमारे पास रखिए, 7% का इंटरेस्ट आपको पे करेंगे, राइट। वो कहते हैं हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बैंकिंग सिस्टम के अंदर अगर आज किसी के पास है इंडिया में, तो IDFC छाती ठोक के बोलता है मेरे पास है, आइएगा, थम लगाइए, अपना आधार कार्ड लाइए, 5 मिनट में आपकी KYC करते हैं, आप अपने घर का प्रूफ दीजिए, हमारा अभी जो इंस्पेक्टर है वो आपके घर जाएगा, 15 मिनट के अंदर आपका अकाउंट खोल देंगे, आपके पास मैसेज आएगा आपका अकाउंट खुल गया, विद इन 15 मिनट हम आपका अकाउंट खोल सकते हैं अगर आपका घर पे हम विजिट कर रहे हैं तो। ये टेक्नोलॉजी उसके पास है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से उस बैंक के पास क्या आएगी, ग्रोथ। तो वो अकाउंट कौन सा खोलेगा, सेविंग बैंक अकाउंट, कौन सा अकाउंट खोलेगा, और अगर ट्रेडर है बिजनेसमैन है तो कौन सा अकाउंट खोलेगा, करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट पे कोई ब्याज नहीं देता, करंट अकाउंट में फ्री में पैसा मिलता है बैंक को, सर्विसेज देता है, बट क्या देता है, और उन सर्विसेज के भी बैंक चार्ज ले लेता है, क्या ले लेता है, क्लियर है बात।
उसके बाद आप क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट राइट और सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक में राइट, ओ सॉरी रिकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट, कौन सा अकाउंट, ये बैंक काम करता है लेकिन ये इनकम्स नहीं है बेटा, दीज आर लाइबिलिटीज, दीज आर, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है नहीं। मैं बैंक का नेचर ऑफ द बिजनेस समझा रहा हूं जिससे आप उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझ सके। मुझे ब्यूटी पार्लर में नहीं समझाना पड़ा क्योंकि आपको पहले से पता था कैसे काम करते हैं, आपको कोचिंग में नहीं समझाना पड़ा आपको पहले से पता था काम कैसे होता है, लेकिन बैंक का काम थोड़ा अलग होता है, यूनिक होता है, इसलिए आपको समझा रहा हूं। अब बैंक इसी पैसे को लोन के रूप में बांटते हैं, किसके रूप में बांटते हैं, और इस अपनी कैपिटल को भी, मान लो ये 10 लाख थी और इन्होंने 100 लाख रुपीज डिपॉजिट ले लिए तो इनके पास कितने हो गए, 110 लाख। इसमें से कुछ CRR की रिक्वायरमेंट होती है, कैश रिजर्व रेशियो की, और कुछ SLR की रिक्वायरमेंट होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो की। तो मोटा मोटी उस पैसे को छोड़ दें तो करीबन करीबन ये 80 लाख रुपए के आसपास जो है पैसा लोन के रूप में बांट सकते हैं। यहां पर इनको 0% पे पैसा मिलेगा, सेविंग बैंक पे मान लो ये 7% का रेट दे रहे हैं और फिक्स डिपॉजिट पे मान लीजिएगा ये 8 या 8.5% का दे रहे हैं। तो जब ये लोन दे रहे होंगे तो 10% से लेकर 18% तक दे रहे होंगे, क्लियर है बात, अपने कस्टमर को। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का बीच का जो फर्क है, यानी कि जो 110 लाख है आपका, इसके ऊपर मान लीजिए अगर उसने 4% कमा लिया तो ये उसकी इनकम है, दैट इज 4.4। अब वो 4.4 इस 10 लाख वाले मालिक ने कमाई है, दैट इज अ 44% रिटर्न फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक। हालांकि इसमें से कुछ टैक्स चला जाएगा तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है उस पर अगर कोई भी बैंक 20% रेगुलरली अगर अर्न कर सकता है तो वो बहुत बेहतरीन बैंक माना जाएगा, क्लियर है बात, क्या माना जाएगा, बहुत ही बेहतरीन बैंक माना जाएगा। तो बैंक को समझ में आई, यहां से पैसा लिया और यहां पर पैसा दे दिया। अब इस ब्याज से पैसा इकट्ठा करने के लिए, पहले डिपॉजिट इकट्ठा करने के लिए क्या चाहिए, कस्टमर्स कहां से आएंगे, ब्रांच खोलनी पड़ेगी, ब्रांच खोली तो वहां पर तनख्वाह देनी पड़ेगी, उस ब्रांच के डे टू डे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ब्रांच की सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ब्रांच का बिजली का बिल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ATM लगा रखे, ATM की जो भी मेंटेनेंस पे पैसा खर्च हो रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, क्लियर है, कंप्यूटर के ऊपर जो भी पैसा खर्च हो रहा है, प्रिंटिंग के ऊपर या जो भी उनकी स्टेशनरी आ रही है, कौन सा खर्चा, ऑपरेटिंग, डायरेक्टर को तनख्वाह दे रहे हैं ऑपरेटिंग, लेकिन आ क्या रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, जो पैसा उधार दिया उस पर ब्याज आ रहा है, वो आपके DD बना के दे रहा है, डिमांड ड्राफ्ट बोला कमीशन दे दो, वो करेंसी बदल के दे रहा है, बोला डॉलर है रुपए में बदल लो, रुपए है डॉलर में बदल लो, भैया मेरी एक्सचेंज दे दो, क्लियर है। बैंक गारंटी देता है, क्या देता है, जैसे सरकार से आपको कोई लाइसेंस चाहिए तो बैंक कहेगा मैं गारंटी दे देता हूं, सरकार कहती है भैया तुमने कल को अपना पूरा काम नहीं किया कस्टमर को नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लो आपको टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दे दिया, अब भारतीय एयरटेल ने आपके सबके मोबाइल फोन खोल दिए और आपके OTP किसी और को ट्रांसफर कर दे, क्या हो जाएगा, सबको नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे कनेक्शन बंद कर दे, किसको नुकसान हो जाएगा, तो भारत सरकार कहेगी भैया तू मुझे गारंटी दे, लाइसेंस फीस भी लेती है और गारंटी भी लेती है। अगर वो कंपनी कुछ भी उकचुक करेगी, कुछ भी डिफॉल्ट करेगी तो क्या होगा, बैंक उस गारंटी, जो बैंक ने गारंटी दे रखी उसको फॉरफिट कर लेगा। तो बैंक कहता है मैं गारंटी दूंगा ही तब जब मुझे लगेगा कि तू यकीन करने वाला आदमी है, और बैंक उसके ऊपर फीस ले लेता है, कमीशन लेता है, तुम्हारी 1000 करोड़ की गारंटी 4% मुझे दे दो, 3% मुझे दे दो, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करके देता है, आपने पढ़ा भी होगा पिछली क्लास में। तो बैंक की प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी क्या है, इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, और उस इंटरेस्ट लेने के लिए जो बाकी खर्चे कर रहे हैं वो राइट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सैलरी, डायरेक्टर की रेमुनरेशन, ऑफिस के एक्सपेंसिस, ब्रांच के एक्सपेंसिस, ये सब एक्सपेंसिस कैसे हैं। तो आपको बात पता चल गई कि क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, लेकिन आपके एग्जाम में किसी भी कंसेप्ट के ऊपर सवाल नहीं आएगा, आपका सवाल आएगा ट्रेडर का, किसका आएगा, ट्रेडर का, यानी कि व्यापारी का। व्यापारी कौन व्यक्ति है, जो माल खरीदता है और बेचता है। तो हमारे को जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखना है वो किसका देखना है, ट्रेडर्स का। तो इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनेगा वो हम बात करेंगे आपके साथ, क्लियर है बात। बताइए ट्रेडर के पास कैश कहाँ जाए, मतलब कोई भी दुकानदार समझ लीजिए आपका अड़ोस पड़ोस में रहता है, ठीक है, किसी भी कंपनी को, किसी हलवाई को देख लीजिए, अग्रवाल स्वीट्स, बीकानेर स्वीट्स, हल्दीराम स्वीट्स, कोई और ट्रेडर देख लो आप, कोई होलसेलर हो सकता है आपके पड़ोस में, कोई रिटेलर हो सकता है,
ये ट्रेडर्स वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो ट्रेडर्स के एंगल से अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहली बात है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी बेटा, पीछे से बेटा आप बताओ कौन सी होंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, बिजनेसमैन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या करता है, सबसे पहले वो माल खरीदता है, माल खरीदने पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, उधार खरीद ले तो पैसा जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन उधार की पेमेंट करेगा तो सबसे पहली बात कि जब वो कैश परचेज करेगा क्या करेगा, कैश परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर मतलब ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स। अब इस माल को बेचेगा बेटा, नगद बेचेगा उधार बेचेगा, सर दोनों तरीके से बेचेगा। तो कैश जब कैश सेल से आए, कैश किससे आएगा, कैश सेल से, और किससे आएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड डेटर्स, फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। बेटा मैं बैंक का नहीं बना रहा, अब किसका बना रहा हूं, ट्रेडर्स का। मैं तो आपको इसलिए समझा रहा था कि आप उसके एक्टिविटीज को समझे बेटा, बिजनेस के हिसाब से एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बदल जाएगी सबकी, जैसा नेचर ऑफ बिजनेस होगा उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटीज के हिसाब से आना जाना होगा। जैसे बैंक की होती तो यहां क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, राइट। अगर ब्यूटी पार्लर वाले का होता तो फीस रिसीव्ड और ब्यूटी पार्लर के लिए जो भी क्रीम लिपस्टिक पाउडर खरीदे उसकी पेमेंट, क्लियर है बात, और बाकी बिजनेस के खर्चे। सब्जी वाला होता तो जो सब्जी बेच के पैसे आए और जो सब्जी खरीदने में पैसे चले गए। स्टेशनरी वाला होता तो जो स्टेशनरी बेच के पैसे आए, जो स्टेशनरी खरीद के पैसे चले गए, क्लियर है बात। कोई अंडे बेचने वाला होता तो अंडे बेचने में जो पैसे आ गए और जो अंडे खरीद के चले गए, क्लियर है। कोई रेस्टोरेंट वाला होता तो जो रेस्टोरेंट के लिए सामान लेके आता वो पेमेंट हो गई और जो बेच के पैसा आ गया वो उस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए भी जो पैसा खर्च होता वो भी। तो नेचर ऑफ द बिजनेस डिसाइड करता है कि क्या होंगी एक्टिविटीज। प्रिंसिपल का मतलब मुख्य रूप से आप क्या काम करते हैं, क्लियर है। अब बताइए इसके अलावा कौन से होंगे, इसके अलावा इनके होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कौन से खर्चे होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन से होंगे, बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होंगे, देखिए रेंट पे करोगे बताओ प्लस या माइनस, सैलरीज माइनस, बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस, कैश में होने चाहिए ध्यान रखना, राइट। सेल्स कमीशन, माल बेचने के लिए कमीशन देना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। डायरेक्टर्स रेमुनरेशन माइनस, अच्छा बताओ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होगा या नहीं होगा, ब्याज देना नहीं बेटा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पैसा उधार लिया था इसलिए देना पड़ रहा है। ये प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्लियर है बात। अभी आपने टीचर की बात मत करो मेरे साथ, मुझे पता उन्होंने क्या कराया, ठीक है। अभी एक बच्चा कह रहा है सर अरे मेरी टीचर ने तो इंटरेस्ट भी लिखाया, अरे नहीं है यार इंटरेस्ट यहां पे, गदम बात। हाँ जी ठीक है जी, क्लियर है बात। इसी तरीके से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस जो भी होंगे वो सब हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे ग्रेजुअली बात करेंगे आपके साथ। बेटा ये क्या हो गया, ये आ गया कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, फाइनल आंसर। अब इसमें से बेटा दो चीजें हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब है कोई ऐसा आइटम जो अचानक हो गया आपको, जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिल गया आपको, क्या मिल गया। अब इंश्योरेंस क्लेम कोई माल आपका पिछले साल लॉस हुआ था, आग लगी थी आपकी फैक्ट्री में और उसका क्लेम मिल गया। जैसे हमारे पास एक कंपनी है जिसका पोर्टफोलियो में भी है मेग मनी ऑर्गेनिक्स, उस कंपनी में खास बात है हर 3-4 साल में आग लगा देते हैं,
क्या करते हैं, अरे लग जाती है यार, केमिकल कंपनी है यार, लग जाती है। लेकिन वो कंपनी दो तो दो पॉलिसी लेके रखती है, एक तो जो माल का नुकसान होता है उसके पैसे लेती है, और जितने दिन डिस्टर्ब रहते हैं उस बिजनेस में उसका क्लेम भी लेती है। तो जिस साल में आग लगती है उस साल तो क्लेम मिलता नहीं है, टाइम लगता है प्रोसेस होने में। तो जब उसको क्लेम मिलता है तो वो क्लेम कैसा क्लेम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी ना है रोज आग लगाओ और क्लेम लो, ये काम थोड़ी ना उसका। लेकिन अदर एक्टिविटीज विच आर नॉट क्लासिफाइड इन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। तो जिसके पास कोई एक्टिविटी में जगह नहीं मिलेगी किसी को, उसको ऑपरेटिंग अपनी जगह देगा। तो बताइए इंश्योरेंस क्लेम कहाँ जाएंगे? लेकिन ये गुड्स के होने चाहिए, अगर ये असेट्स के हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। क्या है? इन्वेस्टिंग है अगर ये असेट्स के हैं तो। तो जैसे इंश्योरेंस क्लेम्स आपके पास आ गए, ठीक है जी। एग्जाम में लिखा होता है लो सूट कंपनसेशन। क्या लिखा होता है? लो सूट कंपनसेशन। अरे लो सूट कंपनसेशन मतलब जो केस जीत के आप आए उसके पैसे, मतलब यही है। कोर्ट में कोई केस कर रखा था उसका केस जीत के आ गए, तो क्या भी हो सकता है? लो सूट कंपनसेशन। अगर वो कंपनसेशन रिसीव हुई है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और अगर वो पेड हुई है लो सूट कंपनसेशन तो आप केस हार गए और आपने पैसे देने पड़ गए तो माइनस हो जाएगी। अरे लो सूट कंपनसेशन, आप केस हार गए, ठीक है जी, आपकी कंपनी ने कुछ गड़बड़ कर दी, पोल्यूशन फैला दिया, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी, वो कोर्ट में ले गए आपको और आपने पैसा दे दिया, बोला पीछे छोड़ो हमारा, आप क्लेम लो, गेम खत्म करो। जैसे हमारे पास एक रेन इंडस्ट्री का शेयर है, तो रेन इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, उन्होंने ऐसा केमिकल बनाया भाई साहब, वो रोड से बहकर नदी में चला गया, अमेरिका का पानी खराब हो गया, अमेरिका का पानी खराब हो गया, तो उन्होंने कहा जी क्लेम दे दो, उन्होंने कहा क्लेम ले लो जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। तो कहाँ दिखाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भैया, मेरे ऑपरेटिंग में से गया ये पैसा भी, लो जी क्लेम गया मेरी तरफ से। क्लियर है बात? उसके बाद बेटा इनकम टैक्स पेड, क्या भी हो गया जी, अगर इनकम टैक्स आपने पे कर दिया तो वो माइनस कर दो। तो बेटा बताइए क्या होगा? ये आपके पास आ गया कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आज आपको दो काम करने हैं। क्या दो काम करने हैं? काम नंबर एक, काम नंबर दो। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की डेफिनेशन जो मैंने ऊपर लिखा रखी है, उसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख के लाना, बुक में से देख के। और चार एक्टिविटीज इनफ्लो, सॉरी दो एक्टिविटीज इनफ्लोज की, कौन सी? इनफ्लोज की और दो आउटफ्लोज की, दो इनफ्लो की और दो आउटफ्लोज की लिख लोगे? एग्जाम में सवाल आएगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बोर्ड के पेपर का सवाल बता रहा हूँ, ठीक है, सीई के पेपर में सवाल आता है ये, सीडब्ल्यू के पेपर में सवाल आता है ये, समझ में आई बात? सब जगह इंपॉर्टेंट है ये, जिस भी लेवल पे पढ़ोगे। क्लियर है? दूसरा सवाल है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट डायरेक्ट मेथड से कैसे बनता है, ये अपनी बुक से बिल्कुल मत देखना, ये जो मैंने बनाया है बस ये लिखना है आपने, राइट, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा। तो आज की बात मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगली क्लास में परसों मुलाकात होगी आपके साथ, और फिर हाँ जी।